हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, आज हम बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी आवश्यकता के लिए, बहुत सारी जरूरतों के लिए हम रोते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रभु कहता है मेरे बेटे तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने अंदर झांकने की जरूरत है, तुझे अपने अंदर ताकने की जरूरत है, सब कुछ मैं तेरे अंदर ऑलरेडी रखा हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, कल मैं परसों तीन दिन चार दिन एक बेटी मेरे पास दुष्टात्मा से बहुत पीड़ित आ रही थी। हालेलुया, और मैंने बोला प्रभु मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य अब नहीं रहेगी, लगता है मेरे अंदर शक्ति नहीं रह गई है, मैं इसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। यीशु बोला बेटा तेरे अंदर सब कुछ है, तो अधिकार को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, तू क्यों डर रहा है कि तेरे मोहल्ले के लोग तेरी आवाज को सुनकर तेरे पास आएंगे, जो हो गया सो हो गया, अब तुझे ऊंची आवाज में तूने अपने अधिकार को दिखाना है। हालेलुया, मैंने यीशु के नाम उसके ऊपर हाथ रखा और मैंने डांटा कि यीशु के नाम से मैं तुझे अरेस्ट करता हूँ और इसी क्षण तुझे मैं बाहर करता हूँ। वो बच्ची उसी घड़ी चंगी हो गई और नन्ही से बच्ची को लेकर खिलाना शुरू कर दी, बोले भैया आज मैं बहुत स्वतंत्र हूँ, मैं आज आजाद हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीन दिन से लगातार मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता रहा, परंतु दुष्टात्मा नहीं निकली। सब मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, जब अपनी सामर्थ को इस्तेमाल कर जो प्रभु ने ऑलरेडी दिया है वो तुरंत गूंगी बन गया आत्मा बाहर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, इसी प्रकार से हम एक जो बाइबल में उत्पत्ति दो अध्याय में जो देखते हैं, एक अध्याय उसका 27 पद में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति एक अध्याय उसका 27 पद में, ध्यान से उसको पढ़िए। पश्चिम तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने क्या किया, मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जब हम इसे देखते हैं, परमेश्वर एक वचन में कहता है उसने जीवन के सांस को क्या किया, उसके नथुने में फूंक दिया। हालेलुया, दो के साथ में लिखा हुआ, तब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में मिट्टी से रचा और उसके नथुने में जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया, अब ये बताइए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके नथुने में क्या फूंका, सांस को फूंका। हालेलुया, उसके नथुने में क्या फूंका, सांस को। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जब उसे रचा था तो सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी पैक कर दिया, सिर्फ उसे क्या चीज की जरूरत थी, श्वास की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आदम के अंदर संपूर्ण रीस से उसे पूरी तरह से पैकेज कर दिया। हालेलुया, जब हम बाइबल को देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो आदम के पास परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को लेकर आकर उसके सामने रखता है और आदम बोलता है, परमेश्वर बोला अब इन सब का तू क्या कर, नाम रख। आदम ने सबको, चीटा है, बिल्ली है, जुआ है, कुत्ता है, बिल्ली है, सबका एक एक करके नाम रख दिया। उसके बाद आदम उदास हो गया, आदम पूरी तरह से अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा है, उदास है उसका चेहरा। परमेश्वर देखता है ये अच्छा नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर बोलता है ये अच्छा नहीं है, ये उदास है, अकेला है, अब इसका कोई भी सहायक नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया, उसे गहरी नींद में डाला और उसके अंदर से एक पसली को निकाला। हालेलुया, इसको हम सभी लोग पढ़ा हुआ है। हालेलुया, एक पसली को निकाला और पसली को निकालने के बाद उसको एक स्त्री के रूप में बदल दिया। हालेलुया, और उसके पास में क्या किया, खड़ा कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बना दिया उसके लिए, जो उसके लिए सहायक था, क्या बनाया, उस हड्डी के अंदर, जब उसको हड्डी को निकाला, परमेश्वर उसके साथ मांस भी निकाला। हालेलुया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके अंदर दोबारा सांस को नहीं फूंका। जो आपके जीवन में आवश्यकता है, जरूरत है, वो सब आपके अंदर है। आमेन। आपके लिए जो स्त्री की आवश्यकता थी, परमेश्वर आपको उसी क्षण आपको दिखाया कि मैं तेरे अंदर से ही मैं तेरे लिए एक सहायक निकालता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, परमेश्वर यीशु मसीह नए नियम में भी हमें इन सारी चीजों को सिखाया हुआ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने बोला जो जल मुझसे पिएगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां क्या करेगी, बह निकलेगी।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे प्रिय आज परमेश्वर जो जो स्त्री एक कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी वो स्त्री बहुत सारा प्रभु से सवाल जवाब किया, बहुत सारी बातें की, परंतु यीशु मसीह ने उस स्त्री से एक बात बोला, जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर जीवन भर उमड़ता रहेगा और तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आज हमारे आपके जीवन में, हमारे आपकी स्थितियों में, हमारे आपके लाइफ में परमेश्वर सब कुछ है, हम देखते हैं कि सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आज हम कंफ्यूजन, फिर भी आज हम भूले हुए, फिर भी हम अपने अधिकार को, अपने सामर्थ को, अपने लाइफ में उन तमाम चीजों को आज ढूंढ रहे। हालेलुया। अभी कोई भाई आता है, कोई पास्टर आता है, कोई जन आता है, तो क्या बोलते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि स्वर्ग की सामर्थ मेरे ऊपर उतरे, परमेश्वर का अभिषेक उतरे, परमेश्वर का लाइट उतरे। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह बोला, जिस दिन तू मुझे ग्रहण किया था, जिस दिन तुझे पवित्र आत्मा मिला था, उसी दिन सब कुछ तेरे अंदर में पैकेज कर दिया था। आमेन। जिस भी दुष्ट आत्मा को तुझे निकालना है, जिस भी शैतान को तुझे निकालना है, वो सब कुछ तेरे अंदर अधिकार और सामर्थ दिया हुआ है। हालेलुया। आज कई कई जगह में, चर्चों में, कई जगह में, मीटिंगों में जाता हूं, तो कई लोग पास्टर बोलते हैं जिसको भी अभिषेक चाहिए वो मेरे पास आ जाए। हालेलुया। लोग बात क्या करते हैं, दौड़ कर एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के भाग भाग कर आते हैं और क्या चीज, अभिषेक के लिए। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर हमें क्या सिखा रहा है, जिस दिन जीवन का जल आपके अंदर गया उसी दिन सारी चीजें आपके अंदर पैकेज कर दी गई है। जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया, जिस दिन आपने पवित्र आत्मा को पाया, उसी दिन आपके अंदर उन सारी चीजों को परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। नहीं यकीन आता तो कभी भी किसी भी समय पवित्र आत्मा से आप बैठना और परमेश्वर आपके पास ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोगों को भेजेगा जब आप उसके सामर्थ को अपने अंदर देखने पाओगे, अपने अधिकार को, उसकी सामर्थ को, उसकी अभिषेक को जो आपके अंदर है उससे आप देखने पाओगे। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नया नया आया और मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया, मैंने सोचा मेरे अंदर सामर्थ नहीं, अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, सर का दर्द चला जाएगा। हालेलुया। परंतु जिस समय मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, जिस समय मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आई, उसी क्षण पवित्र परमेश्वर ने सारी सामर्थ, सारा अधिकार मेरे अंदर ऑलरेडी दे दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास मैं बराबर जाता रहा और उसे यीशु मसीह के बारे में बताता रहा, मेरा यीशु मसीह ऐसा है, मेरा यीशु मसीह ऐसा है, बाइबल पढ़ता था, बाइबल में जो कुछ लिखा सब कुछ बताता था, वो मेरे बातों को सुन उसका दिमाग पक गया। अरे तेरा यीशु मसीह है कैसा, जब देख तू यीशु मसीह के बारे में बातचीत करता रहा, कौन है तेरा यीशु मसीह, मेरे सर में दर्द आज 10 साल से है, मैंने भेड़ बकरा कुत्ता उसे क्या बोलते हैं मुर्गी क्या नाम है सुअर अंडा मैं सब कुछ चढ़ाया, परंतु कुछ भी आज तक मेरे सर का दर्द और मेरे बॉडी का जो पीठ कभी नहीं गया, तेरे है यीशु मसीह में दम जो निकल सकता है। मैं नया नया था, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है, कोई अभिषेक है, कुछ मेरे अंदर है, मुझे नॉलेज नहीं। मैंने कहा चल जोश में, मैंने कहा चल आ जा कमरे के अंदर, उसको ले गया कमरे के अंदर, जैसे कमरे के अंदर ले गया मैंने फटाक से कुंडी मार दिया, ये कहीं प्रार्थना करो कहीं भाग न जाए, जैसे कुंडी मारा जब मैंने बोला धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, वो भाई साहब खड़ा हो गया, ताल ठोकने लगा, मैं जिंद हूँ। अरे मैंने कहा ये क्या गड़बड़ कर दी, ये कौन से गड़बड़ी कर दी, मैंने खुद कुंडी मारा, भाग भी नहीं सकता मैं, डरने लगा, परंतु मुझे नहीं पता उस समय का नॉलेज मुझे नहीं पता, परंतु अब पवित्र आत्मा बताता है जिस दिन तूने खुदा को ग्रहण किया, जिस दिन पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, उस दिन शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुझे अधिकार दे दिया। हालेलुया। और उस समय मैं बच्चा था, छोटा था, ऐसा दूध पीता हुआ, यीशु मसीह में जब आया था दूध पीता हुआ समझो, मैं पूरी तरह से मैं डर गया, थरथराने लगा, अब कैसे होगा, परंतु पूरा हृदय से मैंने गॉड को, प्रभु को ग्रहण किया था, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभु मेरे जीवन में और नहीं था, सिर्फ वल्ली यीशु मसीह था। आमेन। और जो यीशु मसीह मेरे अंदर था, वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो सारी खुशियां, वो सारा आनंद, सारा जितना भी संसार का मुद्रा है, सभी मेरे अंदर पैकेज कर दी गई। आमेन। और उस समय जो मैंने लोगों से, पास्टर से प्रार्थना करते हुए सुना था, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी सामर्थ को मांगता हूँ, उसी क्षण वो व्यक्ति सट हो गया, मैं ताल ठोक रहा था, जो बता रहा था मैं 36 में इसके अंदर हूँ, मैं 36 भूत हूँ इसके अंदर, शैतान हूँ,
तो जब मैंने बोला यीशु मसीह में तुझे मानता हूँ, वो ऐसे हो गया, बिल्कुल मान गया। मैंने कहा मेरे अंदर कुछ होने लगा, मैं कुछ होने लगा है, मेरे अंदर है सामर्थ्य, क्योंकि मैंने यीशु के नाम से माना। फिर उसके बाद मैंने अब मैं और चौड़ा होने लगा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। फिर मैंने बोला यीशु का भाग इसके अंदर से। उसी क्षण वो देखते फ्लैग से नीचे गिरा और उड़ता है, कहता बाप रे आज तक तो कभी जीवन में इतना हल्का मेरा शरीर नहीं हुआ, मेरी बॉडी कभी छोटी नहीं हुई, क्योंकि आज मेरा प्रभु मुझे चलने लगा है। मैं जान लिया कि मेरे यीशु मसीह के अंदर सामर्थ है। उस दिन से वो प्रभु में आया, बपतिस्मा ले लिया, उसका पूरा परिवार यीशु मसीह को मान लिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की मेरे प्रिय। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जीवन में जो भी कुछ आपको आवश्यकता है, जो भी आपको जरूरत है, परमेश्वर बोलता है मेरे बेटे मेरे बेटी में सब कुछ को ऑलरेडी दे रखा हूँ। संसार की जितनी भी मुद्राएं आपको चाहिए परमेश्वर आपके अंदर दे रखा है। हालेलुया, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दाऊद कहते हैं मैं लड़कपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ना तो मैं धर्मी को त्यागा हुआ, ना तो कटोरे मांगते हुए भीख देखा। हालेलुया, तभी भी परमेश्वर के बच्चे आज हर एक जाति के हर एक मजहब के रोड पे आपको भीख मांगते मिलेंगे, परंतु खुदा बाप यीशु मसीह के बच्चे कभी आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। हालेलुया, सारी सारी जरूरतें सारी इच्छाएं जो भी आपको चाहिए परमेश्वर आपके अंदर दे रखा है। अपने सीमा को मत मानिए, सीमा को आप बढ़ाइए, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया, जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपको आवश्यकता है परमेश्वर आपके लिए देगा। हालेलुया, जिस घड़ी जिस पल को मैंने इस वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम के अंदर से जब उपस्थिति को निकाला तो उसके अंदर जीवन का सांस दोबारा नहीं हुआ। मेरे अंदर से ही सांसें भी निकली, मांसें भी निकली, हड्डियां भी निकली और मेरे लिए ही तैयार हो गई। इसका मतलब है कि अब ऊपर से कुछ भी मेरे लिए नहीं रखा है, सब कुछ मेरे लिए पूरी तरह से मैं पैकेज कर दिया गया हूँ। हालेलुया, सारी चीजें सारी आवश्यकताएं सारी जरूरतें परमेश्वर ऑलरेडी मेरे अंदर दे रखा है। हालेलुया, आज एक भाई मेरे पास फोन किया, भाई मैंने क्या बोला, आपने प्रार्थना करना था मेरी पत्नी का जोर लग गया है, आप प्रार्थना करो एक मेडिसिन है वो पास हो जाए मेरी। मैंने कहा आप अपने होठों से उसे क्या वो आप उसे घोषित करो प्रभु यीशु के नाम में, जितने भी अधिकारी मैं सभी के मन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से रिसीव हो सर, मैं स्पर्श करता हूं उनके मनों को बदले प्रभु और आपका जो भी कार्य है वो सही हो जाएगा। हालेलुया, उसने विश्वास के साथ बोला भैया जिस प्रकार से आप पहला शब्द बोले थे मेरी पत्नी का जोर लगा उसी प्रकार से ये भी कार्य होगा, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सन 2018 में मेरे लिए एक पास्टर मनोज जेकब जी भैया पास्टर भी साथ में थे, जब वो आए थे यहाँ पर दिल्ली में तो उन्होंने बोला मनोज भाई मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं नबूवत करता हूँ आपके लिए कि सन 2018 में परमेश्वर आपको एक अच्छा मकान देगा। हालेलुया, और मैंने उसे रिसीव किया कि परमेश्वर आप मेरे अंदर उस चीज को दिया है और मैंने उसे घोषित करने लगा और अपने होठों से उसमें पूरी तरह से घोषणा करने लगा। परमेश्वर ने अभी आज 3-4 महीना हो गया, 3-4 महीना हो भी गया, सन 2018 के अंदर भविष्यवाणी भी हुई और परमेश्वर मकान भी दिया, सब कुछ परमेश्वर ने आशीष कर दिया। हालेलुया मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आपके लिए जो कुछ बोलता है वो चीज को देखना है, आपको बाहर से नहीं आएगा वो आपके अंदर से। आमीन, हालेलुया। अभी किसी पास्टर के सामने हम घुटने को टेकते, हम उसके सामने टेकते, कोई भी परमेश्वर के दास के सामने, कोई भी चर्च के सामने, और हम कहते मेरे सर पे हाथ रखो और प्रार्थना करो कि स्वर्ग से सामर्थ उतरे, स्वर्ग से अभिषेक उतरे, स्वर्ग से आग उतरे और मेरे ऊपर आए। हालेलुया, अब आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको कमरे के अंदर बैठना है, आपको घुटने टेकना है और प्रभु से कहना है, 1,000 बार कहना है, प्रभु मैं तेरा तंबू हूँ, प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ, मैं तेरा तंबू हूँ, तुम मेरे अंदर है, मैं आग को रिसीव करता हूँ, मैं फायर को रिसीव करता हूँ, मैं आपकी आत्मा को अपने अंदर रिसीव करता हूँ, आपकी आग मेरे अंदर है। जिस कार्य के लिए आपके जीवन में रुकावट है उसके ऊपर आप फायर करो, उसके ऊपर आग को रिलीज करो, उसके ऊपर फायर को रिलीज करो। आज आपके माइंड को, आपके विचार को, आपके सोच को कौन सी शक्तियां रोकी हुई है, कौन सी शक्तियां जो रोक रही है, जो आप उन्नति को नहीं पा रहे हो, आप आशीष को नहीं पा रहे हो, सामर्थ्य को नहीं पा रहे हो, अधिकार को नहीं पा रहे हो, आपके अंदर है परंतु हम उसे नहीं समझ पा रहे। हालेलुया मेरे प्रिय, अगर आपको समझ पा रहे बोले हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बोलता है आपको कोई भी चीज अपने जीवन में चमत्कार देखना है तो आप दूसरे को ऊपर डिफेंड नहीं करना है, आपको अपने ऊपर डिफेंड करना है, आपके अंदर है
ऑलरेडी है, चर्च में हमें आना है, पास्टर से प्रार्थना कराना है, परंतु उन सब चीजों को जो आपको ऑलरेडी अपने जीवन में चमत्कार देखना है, उसके लिए आपको घोषणा करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चर्च नहीं आना है, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ प्रार्थना से पास्टर से प्रार्थना नहीं कराना है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में शत्रु शैतान आफत मचा रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जॉब में, तो आपको उसके ऊपर आपको फायर करना है, आपको रिलीज करना है, आपको उस तार को नाश करना है यीशु के नाम में, क्योंकि आपके होठों में जीवन जीवन है और शराब भी है, आपके होठों में शराब भी है। यीशु मसीह ने बोला है जिसे तुम श्रापित करोगे वो श्रापित हो जाएगा। अंजीर को पेड़ को यीशु मसीह ने बोला सूख जा, कभी फल मत लाना। और पता है जो दूसरे दिन पतरस यूहन्ना याकूब सब साथ जा रहे थे, बोले प्रभु ये क्या हो गया, आपने बोला और ये सूख गया। बोले पतरस मैं तुझसे कहा था तू यदि राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा, इस पहाड़ से कहेगा तो ये भी तेरी सुनेगा। हालेलुया। जब आप अपने जीव को एक अच्छी दिशा की ओर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जब आप अपने बच्चे के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, जो अपने जीव को आप ये समझ कर कि परमेश्वर मेरे अंदर ऑलरेडी सारी सफलताएं, सारी आशीष दिया है, तो आपके जीव के ही द्वारा होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ पर एक स्त्री को जो बोलता है कि वो बोलती है कि हे प्रभु मुझे इस मुझसे बोलते हैं कि मुझे जीवन मुझे पानी पिला। वो बोलती है यदि तू बोल यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। हालेलुया। बहुत सारा सवाल जवाब करती है वहाँ पर। इस मुझसे उसे बोलते हैं जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर क्या करेगा, जीवन भर क्या करेगा, उमड़ता रहेगा। आपको पता है आपके अंदर जीवन का जल है। क्या है? जीवन का जल। सिर्फ आपको ही जीवन का जल आपको ही जीवित नहीं रखेगा, आपके अंदर ही नहीं रहेगा, परंतु वो परमेश्वर कहता वो तो कुएं से भर रही थी, परंतु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है जीवन का जल की नदियां क्या होगी। अभी ध्यान रखना यहां पर वो कहां से जल हो रही है, कुएं से, परंतु आपके अंदर जीवन का जल नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। और वो आपके अंदर से बहेगा। और वो कौन है, वो क्या बहेगा, एक जगह हम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोग बाग मारुति को लोग बाग जब खिलौने के रूप में बना रहे थे, जब उस समय जो शुरुआत में जब मारुति को बना रहे थे लोग खेल बाग में से बनाते बनाते आज लोगों के जीवन में और सत्ताएं बन गई। आपको पता है जो आप है उसे आप नहीं करते, उसे अपूरण नहीं करते। जो हम है परमेश्वर के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मैंने किया तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब है कि मेरे अंदर है कुछ जो यीशु ने देखा, वो बोल रहा है कि जो मैंने किया तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्योंकि जिस समय मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, जिस समय मैंने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन मैं पैकेज कर दिया कि सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें मेरे अंदर ही से ही शुरू हो जाएंगी और सब कुछ आवश्यकता मेरे जीवन से पूरी होगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उसमें यशायाह की किताब में परमेश्वर एक जगह बोला है, उस शब्द को हम पढ़ते हैं यशायाह 44 अध्याय। यशायाह 44 अध्याय उसका दो पद से पढ़ेंगे। तेरा करता यहोवा पर अपनी आत्मा हाँ और तेरी संतान पर अपनी आशीष डालूंगा, मैं
तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष दे दूंगा। हां वे उन की नहीं हां बढ़ेंगे जी, जो धाराओं के पास घास के बीच में होते होती है। हां कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई कहेगा मैं यीशु मसीह का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं इस्राएल हूं, मैं यहोवा का हूं। हालेलुया अपना बस नाम इस्राएल बनाए। हालेलुया बोलो प्रभेश मुसीगी। सब परमेश्वर का लिए आपका हृदय जब प्यासा होगा, जब परमेश्वर के लिए आपका हृदय पवित्र जब प्यासा होगा, परमेश्वर बोलता है उस समय में धाराएं तुम्हारे जीवन में बहाऊंगा, उस आत्मा को बहाव करूंगा, तब लोग देखेंगे और खुद तुम्हारे जीवन से वो जीवन जल की नदियां जो बहेंगी लोगों के जीवन में, जब जब वो कार होंगे वो सामर्थ्य जब अद्भुत अद्भुत कार होंगे तब लोग देखेंगे, तब लोग कहेंगे ये खुदा का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटा है, मैं भी परमेश्वर का संतान बनूंगा, मैं भी यीशु मसीह का संतान बनूंगा। आज परमेश्वर में लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों हजारों की संख्या बढ़ रहे हैं, क्यों लाखों की संख्या बढ़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को जब आप पवित्र आत्मा के लिए जब आप प्यासे हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के लिए जब आप भूखे हो जाते हैं, पवित्र आत्मा की जब आप संगति करने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करना शुरू कर देता है, आपके अंदर बहाव करना शुरू कर देता है। हालेलुया आपके अंदर से जो भी कुछ आपके अंदर है वो सब आपके अंदर से बाहर निकालना शुरू कर देता है। हालेलुया आपको पता है परमेश्वर ने आदम के अंदर जो जो बसुरी को निकाला उसके अंदर से चमत्कार जो किया वो कैसे कर पाया। आज भी आपके अंदर से परमेश्वर एक चमत्कार करना चाहता है। कैसे चमत्कार करेगा? पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे बहाव करेगा? जब आपको जब आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है उसे लेकर बाहर करें, तो अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होना पड़ेगा। जो आपके अंदर है आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से बाहर करे, तो आपको पवित्र आत्मा के लिए समर्पित होना पड़ेगा। जो आपके अंदर है वो बाहर आएगा जब आप पवित्र आत्मा के लिए समर्पित होंगे, जब पवित्र आत्मा को अपने आप को दे देंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है तो अपने समझ का सहारा न लेना। हालेलुया जब हम अपने समझ का सहारा लेते हैं उसी से हम अपने जीवन की सारी जितने भी आशीष है सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। हालेलुया जब हम पवित्र आत्मा को अपने आप को दे देते हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है सूखी भूमि पर और प्यासी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। जब आप परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए उतावले हो जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को लेता है, जो आपके अंदर है उसको पूरी तरह से बाहर करता है, तब लोग देखते हैं ये क्या हो गया, ये अद्भुत हो गया, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये बेकार व्यक्ति था, पर इसका जीवन बदल गया। हालेलुया परमेश्वर उसी के जीवन को बदलता है जो अपने आप को समर्पित करता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में सारी सारी जो भी आपके जीवन में आवश्यकता है, दुनिया की जितनी भी मुद्राएं हैं, जितनी भी खुशियां, जितना भी आनंद है, परमेश्वर के पास कुछ भी आपके लिए बाहर से नहीं रखा है, सब कुछ आपके अंदर है। यदि आपको आप चाहते हैं कि आपके अंदर से वो बाहर आए, तो अपने आप को पवित्र आत्मा को दे दो। अपनी सुनना बंद करें, मनमानी करना बंद करें, अपने आप को उस पवित्र आत्मा को दे। अभी मैं घर से निकला, मैंने बोला प्रभु मेरे जीवन पर सिर्फ आपका नियंत्रण हो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ अन्न भाषा में बातें करते हुए आया। हालेलुया क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अन्न भाषा में बातें करता है मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया बोलो प्रभु मसीह की। मेरे प्रिय आपको पता है जिस स्त्री ने उसे जल जीवन का जल मांगा, पता है उसके अंदर से जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उस स्त्री को देखना नहीं चाहता था, उसे बात नहीं करना चाहता था, परंतु जिस समय उसने यीशु को जान लिया उसने कहा मैं जानती हूँ कि तू ही भविष्यवक्ता है, मैं जानती हूँ कि तू ही प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा जो तुझसे मांग रहा है यदि तू उससे जानती तो मैं तुझको तुझे जीवन का जल देता, जानती मैं जानती हूँ कि तू भविष्यवक्ता है। उसके बाद उड़ती है बाइबल बताती है एक दो लोगों को नहीं पूरे गांव के अंदर परमेश्वर का संदेश दिया, जीवन का जल बांटा और बहुत सारे लोग आकर जीवन का उद्धार। मेरे प्रिय जिस समय हम आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, जिस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको उसी समय सारा कुछ जो भी आपके जीवन में आवश्यकता है, जो भी आपको आवश्यकता जरूर
वक्त है परमेश्वर ऑलरेडी आपके अंदर पहुंच चुका है। कुछ भी आपके अंदर आपको आपके ऊपर बाहर से नहीं आए, सब कुछ ऑलरेडी परमेश्वर आपके अंदर दे रहा है। उसे बाहर लाने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए हमको उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ बातें करना पड़ेगा, उसके साथ जब तक हम अलग नहीं बैठते तब तक हमें प्रकाशन नहीं मिलेगा, हमारे अंदर सो चीज नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। मैंने एक दिन अपने चर्च में मैं जब प्रार्थना करा, अपने घर में प्रार्थना की कि प्रभु आज मैं क्या दूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रभु ने एक बात बोला, आज तुझे कुछ नहीं बोलना है, तुझे सिर्फ यही बोलना है मैं परमेश्वर का तंबू हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हूँ, मैं खुदा की आत्मा से भरा हूँ, मैं परमेश्वर का तंबू हूँ, मैं सफलता के लिए तैयार हूँ, मैं चंगाई देने के लिए तैयार हूँ, मैं आनंद देने के लिए तैयार हूँ, मैं लोगों को अच्छा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ यही तुझे बोलना और कुछ नहीं बोलना है, तुझे वचन भी नहीं पढ़ना है। मैंने कम से कम एक घंटा अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा और प्रभु को धन्यवाद देता रहा, पवित्र आत्मा का धन्यवाद, आई लव यू पवित्र आत्मा, आई लव यू यीशु, आई लव यू, धन्यवाद, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका तंबू हूँ, ऐसे करते करते कम से कम एक घंटा प्रभु को धन्यवाद देता रहा। उसके बाद चर्च में गया और मैंने वहां पर बोला मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हूँ, जो लोग भी चाहे मुझे आकर छुए और जितने लोगों ने आकर छुआ पाए अभी भी मेरे पास मिली हो, कोई भी खड़ा नहीं रहा, सबके सब नीचे गए, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, सारी चीजें आपके अंदर है। आपको यदि सामने वाले के जीवन को प्रभावित करना है तो आपको सबसे पहले उसके सामने बदलना है। यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जब आप पवित्र आत्मा के साथ जब आप बैठेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मुझे नहीं नॉलेज था कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर उस सारी चीजों को दिया है, परंतु जब पवित्र आत्मा के साथ बैठा तो पवित्र आत्मा ने सब कुछ मुझे बताया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, अभी आपके अंदर जो भी आपके जीवन में आपको धन की आवश्यकता है, यदि आपको रिश्ते की आवश्यकता है, यदि आपको काम की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, यदि आपको बिजनेस की आवश्यकता है, यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर बोलता है वो आपके अंदर है। जब आप अपने माइंड से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सारी चिंताओं को बाहर निकालेंगे तो परमेश्वर का कार्यों को, परमेश्वर के बारे में जब आप सोचेंगे कि प्रभु आपने मेरे अंदर सब कुछ दिया है, प्रभु मैं उस चीज को अपने जीवन से रिलीज करता हूँ, मैं अपने जीवन से रिलीज करता हूँ, परमेश्वर वो आपके लिए तैयार करना शुरू करता है। जिस दिन, जिस घड़ी आप जिस कार्य के लिए आप सोचना बंद कर देते हैं, वो आपके लिए परमेश्वर नहीं कर सकता। आपको पता है, एक स्त्री यीशु मसीह के सिर्फ आंचल को छुआ और तुरंत उसी घड़ी वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह जब नासरत में गया, वहां पर लोगों को यीशु मसीह चंगा करना चाहा, पर यीशु लोग चंगे नहीं हो पाए। क्या यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह चंगा नहीं कर पाया। हाँ, जिस कार्य के लिए आप मना कर देते हैं, यीशु मसीह आपके लिए नहीं कर सकता। जो कार्य आप चाहते हैं यीशु मसीह करे, वह यीशु मसीह अवश्य आपके लिए करेगा। आपको पता है, जिस समय यीशु मसीह को, जिन लोगों ने एक बार यीशु मसीह ने एक चौड़े स्थान पे खड़े हुए और जिन लोगों ने यीशु मसीह को छुआ, सब कोई ने चंगाई को पाया। कुछ लोगों ने यीशु मसीह के हाथ में जंजीर बांधकर लेके जा रहे, उनको कुछ नहीं हो रहा है। जिन हाथों ने मुर्दे को जिलाया, जिन हाथों को कोड़ी को शुद्ध किया, जिन हाथों ने मुर्दे को जीवित कर दिया, जिन हाथों ने रोगियों को चंगा कर दिया, उस हाथों में लोग हाथ में किल्ली ढूंढ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया, जिस समय आप प्रभु के लिए अपने जीवन में उस चीजों के लिए आस छोड़ देते हैं, परमेश्वर वो कार्य आपके लिए नहीं कर सकता। आपके अंदर सब कुछ है। जब आप सोचते कि प्रभु तू मेरे अंदर होकर सारे कार्य को आप करने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। चर्च में कई बार, एक बार हम लोग एक मीटिंग में गए, वहां पर कम से कम 2 घंटे से 8-10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं दुष्ट आत्मा के लिए, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही, नहीं निकल रही दुष्ट आत्मा। मैंने अपने अंदर उस क्रोध को लाया, परमेश्वर के प्रीति,
अपने अंदर आप एक क्रोध को पैदा करो जो आपके परिवार में जो आपको दखल देता है, जो आपके जीवन में समस्या देता है, उस बेटी के बारे में सोचो कि प्रभु इस बेटी को कौन दुख दे रहा है, तेरे रहते हुए कौन इसे उनके साथ आ सकता है। जब आप उस क्रोध को पैदा करके अपने अंदर जब उसे यीशु के नाम से ललकार के आप डांटोगे, उसी क्षण वो व्यक्ति, वो बहन, वो बच्ची पूरी रीत से आजाद को महसूस कर लेता है। आमीन। इसका मतलब है कि आपके अंदर है, जब आप उस भावना के साथ, जब आप उसके क्रोध में आएंगे, जब अपने अपने अंदर इस क्रोध को जो पैदा करेंगे, उस क्रोध के साथ जब शैतान के सामने आप खड़े होंगे, तो शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सबसे जरूरी है कि अपने आप को हम उस परमेश्वर के सामने, जिस प्रकार से आदम ने परमेश्वर के सामने समर्पित हुआ, परमेश्वर ने उसके अंदर से हवा को तैयार किया। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के सामने जब अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर जितने भी वरदान हैं, जितने भी आशीष हैं, आपको एक एक करके गिना देगा, मेरे बच्चे तुम्हारे बनी है। जिस कार्य के लिए आप खड़े होंगे, उस कार्य में आप कभी भी असफल नहीं होंगे, सफल हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि वो आपके अंदर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जिस घड़ी, जिस क्षण आप अपने मन के अंदर असफलता वाला मन ला देते हैं कि यीशु अब ये नहीं होगा, यीशु आपके लिए नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस समय आप निश्चय करते हैं कि प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सभी भाई बहनों की, सभी भाइयों को आशीष दे। आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी